நாடு முழுவதும் அரசியல் சாசன தினம் இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தலைநகர் தில்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று உரையாற்றுகிறார். இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய சட்ட அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு, உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட் மற்றும் நீதிபதிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். நீதித்துறையின் भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत की मजबूत होती अंतर्राष्ट्रीय छवि के बीच दुनिया हमें बहुत उम्मीदों से देख रही है. एक ऐसा देश जिसके बारे में आशंका जताई जाती थी कि वो अपनी आजादी बरकरार नहीं रख पाएगा, जिसके बारे में कहा जाता था वो बिखर जाएगा, आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है. और इन सब के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है. हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ तीन शब्द नहीं है. वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है. संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहा है. यही भावना हमें वैशाली के गणराज्य में भी दिखती है, वेद की ऋचाओं में भी दिखती है, महाभारत में भी कहा गया है, लोकरंजनम एव अत्र राज्ञः धर्मः सनातनः सत्यस्य रक्षणं चैव व्यवहारस्य चार्यवम्. अर्थात लोक को यानी नागरिकों को सुखी रखना, सच्चाई के साथ खड़े होना और सरल व्यवहार, यही राज्य का व्यवहार होना चाहिए. आधुनिक संदर्भ में भारत के संविधान ने देश की इन सभी सांस्कृतिक और नैतिक भावनाओं को समाहित किया हुआ है. நீதித்துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்து தலைமை நீதிபதி உள்ளிட்ட பலரும் எடுத்துக் கூறினர். நிகழ்ச்சியில் தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் மூலம் நீதித்துறை வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் வழக்கை நடத்துபவர்களுக்கான சேவைகளை சிறப்பாக வழங்கும் திட்டத்தையும் தொடங்கி வைத்தார். நீதித்துறை தொடர்பான மொபைல் செயலி, டிஜிட்டல் நீதிமன்றம் மற்றும் பல்வேறு இணையதளங்களையும் பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட வழக்குகளின் நிலையை பொதுமக்கள் அறிந்து கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.